अनेक शहर में बस किए तो लोग यकदम होकर यूशना में इकट्ठे हुए। तब यशु बिन यूसी को उसके भाई जो काहिन थे और जनबाबू बिन त्यागिये उसके भाई खड़े थे और उन्होंने इस्राएल के खुदा का मजबा बनाया ताकि उस पर सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाएं। यह साफ मर्दे खुदा मूसा की शीयर ने लिखा है और उन्होंने मजबे को उसकी जगह पर रखा क्योंकि उन इतराफ की कौमों के सबब से उन्हें खो रहा और वो उस पर खुदावन के लिए सौंपनी कुर्बानियां यानी सुबह शाम की सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे और उन्होंने मूसा के मुताबिक खैमों की ईद मनाई और रोज की सौंपनी कुर्बानियां तीन तीन कर जैसा जिस दिन का फर्ज था दस्तूर के मुआफिक चढ़ाई। इसके बाद दहमी सौंपनी कुर्बानी और नेक जान की और खुदावन की उन सब मुकर्रर ईदों की जो मुकद्दस ठहराई गई थी और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियां चढ़ाई जो रजा की कुर्बानी खुशी से खुदावन के लिए गुजरता था। सातवें महीने की पहली तरीक से वो खुदावन के लिए सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे पर खुदावन की हैकरत की बुनियाद हनुम जाली ना गई थी और उन्होंने मेहमानों और भाइयों को नकदी दी और दानियों और सुनियों को खाना पीना और तेल दिया ताकि वो तेलदार के लठे दुकान से याफा को सूत्र की राह से लाए जैसा उनको शाहे फारस फोरस से परवाना मिला था। फिर उनके खुदा के घर में जो यूशना में है आप पहुंचने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में जरबाबुल बिन सियालतियेल और यशु बिन यूसुफ ने और उनके भाई और के बाकी भाई काइन और लावियों और सबों ने जो सीरी से लौट कर यूशना को आए थे काम शुरू किया और लावियों को जो 20 वर्ष के और उससे ऊपर थे मुकर्रर किया के खुदावन के घर के काम की निगरानी करें। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कभी थे और उसके बेटे को जो यहूदा की नजर से थे मिलकर उठे के खुदा के घर में कारीगरों की निगरानी करें और बनी हजार की और उनके बेटे और भाई जो लावी थे उनके साथ।